हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स एंड सिक्रेट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइज। तो आज की हमारी नई पिककार्ड रीडिंग है, आपके विरोधी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ आपके विरोधी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के तो देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी इनडिसीजन एंड सेकेंड पाइल है ब्रोकन हार्ट। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी पाइल चूज़ करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों लिंकों से पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते हो। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। इसके लिए तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ज़रिए आप मुझे मैसेज करोगे तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। बहुत ही कम चार्जेस है, कोई भी आसानी से मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकता है। 15 रुपीज़ से ही पर्सनल रीडिंग स्टार्ट होती है मैंने कहा, तो आप आसानी से जुड़ सकते हो। मेरी सेकंड चरण फॉर्चून एंड डिवाइन के ऊपर लाइव सेशन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तीनों दिनों में से किसी एक दिन 7:00 से 11:00 के बीच में होता है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट हो सकते हो। आपको फ्री में आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। मेरी सेकंड चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल वन चूज़ की है इनडिसीजन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके विरोधी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पाइल वन, सेवन ऑफ कप, एट ऑफ कप, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द मून, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप, वाटर एलिमेंट परमानेंट है, टू ऑफ कप, जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टेन ऑफ कप। ओके, आपके विरोधी आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आप यहाँ जो मैंने कहा वाटर एलिमेंट परमानेंट आया है, इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो इमोशनल चीज़ों को लेकर ज़्यादा सोच रहे हैं, कि आपकी इमोशनल चीज़ें कहीं हद तक अव्यवस्थित है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो हमने अपना काम कर दिया है आपके जीवन में, हमने सारी ही इमोशनल चीज़ों को ख़राब कर दिया है, इस तरीके से उनकी सोच है। क्योंकि सच में आप अपने इमोशनल सारी ही चीज़ें, यानी कि आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां है, जिसमें आपके आसपास के लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ कहीं हद तक आपके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, वो आपके विरोधी देख रहे हैं। इस वजह से उनको बहुत अच्छा लग रहा है, इस वजह से वो सोच रहे हैं कि उन्होंने अपना काम कर दिया है और आपकी सारी ही इमोशनल परिस्थितियाँ वीक हो गई है, टूट रही है, ख़राब हो गई है, इस तरीके की उनकी सोच है। यहाँ वो ये भी सोच रहे हैं कि अभी भी आप अपने एक स्टेटस को लेकर, अपने पैसों को लेकर हर तरीके से कमज़ोर नहीं पड़े हो, और ये हमारे लिए सोचने की बात है, क्योंकि कमज़ोर पड़ना ज़रूरी है, तभी हम आपको पूरी तरीके से तोड़ पाएंगे। ये जो फाइव पेंटिकल है, वो आपको लग रहा है कि आपके पास पूरी तरीके से पैसे पूरे हो गए, नहीं, आप अभी भी टिके हुए हो, अभी भी आप अपनी पहचान को लेकर, अपने जज्बातों को लेकर, अपने खुद की समझ को लेकर स्टेबल हो, अपनी सोच से प्रिपेयर हो, इस वजह से आप अभी भी पैसों के एक प्रभाव से पूरी तरीके से स्टेबल होने की वजह से
वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए हैं कि उनकी पैसों की आवक के ऊपर हम कैसे वार करें। तो यहाँ आपके विरोधी कहीं ना कहीं आपकी इनकम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वार करने को लेकर सोच रहे हैं, इतना याद रखो, क्योंकि आपकी पैसों की जो एक स्टेटस वैल्यू है वो वाकई में आपने अभी भी बनाए रखी है, और वो भी आपके खुद ब खुद के मेहनत से। और ये जो उनकी सोच है आपके विरोधियों की कि वो उन्होंने आपको इमोशनली तोड़ दिया है, लोगों के साथ आपके रिश्ते ख़राब हो गए हैं, लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सभी तरीके से सब कुछ छूट रहा है, तो ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। ये उनकी सोच है कि आप इस तरीके से हो, लेकिन आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है सेवन ऑफ कप। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी परिस्थितियों को संभालने की कोशिश लगातार आपकी बनी हुई है, तभी तो ये एस ऑफ पेंट की एनर्जी है। ये कार्ड कहता है कि आप अभी भी कोशिशें बनाए रखे हो, अभी भी आपके दिल में एक आशा की किरण है कि मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और ये जो आपकी सोच है उसको आपके विरोधी नहीं खारिज कर सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। ये मैं आपकी सोच बता रही हूँ। यहाँ आपके विरोधी तो यही मान रहे हैं कि आप इमोशनली टूट रहे हो, पैसे भी अब बहुत ज़्यादा आपके पास नहीं रहे हैं, आप अब ज़्यादा से ज़्यादा एक अपनी ही गता में डूबे जा रहे हो, अब बहुत ज़्यादा टूट रहे हो, कमज़ोर पड़ रहे हो, अब आपके पास कुछ नहीं रहा है, अब धीरे धीरे आप पूरी तरीके से आपकी लाइफ ख़राब ही हो जाएगी, ऐसा वो मान रहे हैं। क्योंकि धीरे धीरे आपके जीवन में नेगेटिव पहलू, नेगेटिव सिचुएशन ज़्यादा बन रही है, ऐसा उनका मानना है। वो ये भी सोच रहे हैं कि आप कितनी भी कोशिश कर लो अब कुछ नहीं हो सकता है, हम आगे ही नहीं आने देंगे, आगे ही बढ़ने नहीं देंगे, तो आप क्या ही कर लोगे। ये भी उनकी सोच है। आपके विरोधी अभी आपको लेकर ये भी सोच रहे हैं कि ये जो आपके अभी भी आपकी कोशिश बनी हुई है ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसको भी हमें तोड़ेंगे। आपको कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा, साथ ही नहीं देगा, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे। इस तरीके की उनकी सोच है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वो यही मान रहे हैं कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी अब हो वो पूरी तरीके से आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए, और आपके पास ये जो है वो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसका मतलब ये होता है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, एक लोगों की रिस्पेक्ट, मान सम्मान, सहिष्णुता, प्रेम भाव, लोगों का सपोर्ट, साथ, अच्छा व्यवहार, ये सब कुछ जो आपके पास फूल ऑफ कप में है वो बिल्कुल भी उनको अच्छा नहीं लगता है। और इस वजह से ही इस सिचुएशन को आपको हर तरीके से तोड़ने की कोशिश वो कर रहे हैं। अब लास्ट कार्ड आपके लिए आया है जजमेंट। इसका मतलब ये होता है कि आपके विरोधियों की सोच आपको लेकर इस तरीके की है कि जब आप खुद ही अपने आप के लिए टूट जाओगे तो खड़े नहीं हो पाओगे। तो हमें आपकी अंदरूनी ताकत को तोड़ना है जिससे आप खड़े ही ना हो पाओ। तो यहाँ आपके विरोधी आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और बहुत ही नेगेटिव सोच है उनकी, क्योंकि वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, ये आप भी जानते हो। तो यहाँ आपके विरोधियों की सोच चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप इस एनर्जी में, आपको पता है, चाहे वो सोच रहे हो कि आप वो आपकी अंदरूनी ताकत को, अंदरूनी शक्ति को तोड़ देंगे तो आप खुद ब खुद ख़त्म हो जाओगे, इस तरीके की उनकी सोच ज़रूर है, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि आप खुद ब खुद बहुत ही माइंड सेट से स्ट्रॉन्ग और क्लियर कट हो। आपको पता है कि मुझे अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को कहाँ किस तरीके से रखना है। इस वजह से चाहे आपके विरोधी आपको लेकर कुछ भी सोच ले, लेकिन आप अपनी इस तरीके की स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हमेशा बने रहोगे, क्योंकि आपका विश्वास बहुत बड़ा है अपने यूनिवर्स के ऊपर और अपने आप के लिए। और यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका विश्वास है वो आपकी अंदरूनी शक्तियों के ऊपर, आपको अपनी खुद के मेहनत के ऊपर, अपने खुद के एक माइंडसेट के ऊपर, दिलो दिमाग से स्ट्रांग माइंडसेट, आपका खुद ब खुद अपने लिए सोचने का तौर तरीका बहुत स्ट्रांग है, इस वजह से कोई आपको तोड़ नहीं सकता है। ये ज़रूर है, जब किसी भी पर्सन की अपनी अंदरूनी शक्ति के ऊपर कंट्रोल होता है, अपनी अंदरूनी शक्ति के से वो आगे बढ़ सकता है, वो उसको पता है, तो फिर उसको कोई नहीं तोड़ सकता है, और वो आप हो डेफिनेटली। तो यहाँ आपके विरोधियों की सोच आपको लेकर कहीं तक तो बहुत ख़राब है, बहुत बुरी है,
उनका मानना है कि उन्होंने आपको इमोशनली तोड़ ही दिया है, अब थोड़ा सा पैसों से तोड़ना बाकी है, वो भी हम आगे चलकर तोड़ ही देंगे। इस वजह से आपकी सारी ही ऊर्जा, सारी ही अंदरूनी शक्तियाँ टूट जाएगी और एक दिन आप बिखर जाओगे, और एक दिन आप टूट जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। इस तरीके की उनकी सोच है, लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी ऊर्जा को आप उम्मीद से आगे बढ़ाते हो, और जब कोई भी इंसान में उम्मीद हो तो इसको कोई नहीं तोड़ सकता है। और ये जो इनडिसीजन आपने चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि आपके विरोधी आपके बारे में यही मानते हैं कि आप हमेशा रॉन्ग ही एक रास्ते के ऊपर आगे बढ़ोगे, लेकिन ऐसा भी कुछ होने वाला नहीं है। रॉन्ग डायरेक्शन में ही जाओगे, रॉन्ग डिसीज़न ही लोगे, रॉन्ग तरीके से ही आगे बढ़ोगे। ये सारी ही सोच जो उनकी है, ऐसा भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ आप खुद ब खुद स्टेबल तरीके से खड़े हो कि आपको कौन सी दिशा में आगे बढ़ना है, जिसके लिए आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो, तो आपको नहीं कोई तोड़ सकता है। ये है रीडिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट, लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है ब्रोकन हार्ट, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके विरोधी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यहाँ इसके बारे में बाद में बताती हूँ, पहले हम पाइल टू देखते हैं। नाइट ऑफ कप, द फूल, एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, इसका मतलब होता है टेन ऑफ सॉर्ड, वेरी नाइस एनर्जी, डेविल, किंग ऑफ कप, पेज ऑफ कप, द चैरियट एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम टू डेक हमारे पास है फोर ऑफ सॉर्ड, वेरी गुड, ओके। यहाँ आपके विरोधियों की सोच यही है कि आप किसी के ऊपर भी भरोसा कर लेते हो, क्या ये सच है? ये मैं आगे चलकर आपके बारे में भी बताऊंगी, लेकिन यहाँ आपके विरोधियों की सोच यही है कि आप किसी के ऊपर भी भरोसा कर लेते हो, और किसी के साथ भी ऐसे ही आसानी से कुछ भी शेयर करते हो। ये हमारे लिए एक अच्छा है कि हमें किसी से भी आपकी बात पता चल सकती है, ऐसा वो मानते हैं। तो यहाँ ये जो उनकी सोच है वो वाकई में सही भी है या नहीं है, वो आपको परखने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। आप सच में अपनी सारी ही बातों को लोगों के साथ शेयर करते हो तो ऐसा करना बंद कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कहीं हद तक ऐसी बातें ही बतानी है जो वाकई में हो चुकी है, जो प्रेजेंट मोमेंट में होने वाली है, वो बातें आपको किसी को नहीं बताना चाहिए जब तक वो काम हो नहीं जाते हैं। जितना ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छा होगा, इसके लिए थोड़ा माइंड सेट क्लियर कीजिए। अब उनकी सोच ये भी है कि आप अपने आप को एक डिटर्मिनेशन से नहीं रखते हो, यानी अव्यवस्थिता बार बार नज़र आती है, तो इसका भी फ़ायदा हम ले सकते हैं, क्योंकि आप अपने ही गोल के ऊपर फोकस नहीं हो तो कोई भी उसको चीटिंग करते हुए या किसी भी तरह फॉल्ट करते हुए या ख़राब करते हुए आगे बढ़ सकता है, तो वो हम कर सकते हैं, हमें आपसे बहुत कुछ फ़ायदा मिल सकता है। इस तरीके की उनकी सोच है, क्योंकि रियली में आपको सोचने की ज़रूरत है कि कहाँ आप अव्यवस्थिता दिखा रहे हो, या कहाँ आप अपने गोल्स के ऊपर एकदम ज़्यादा फोकस नहीं हो, या छोटी छोटी बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, वो आपके हाथ में है। अब यहाँ ये सब शॉर्ट की एनर्जी आई है, इसका मतलब ये होता है कि वो ये भी मान रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातों को लोगों को बता रहे हो, वो एक फर्स्ट बात है। सेकंड थिंग ये है कि आप अपने ही माइंड सेट से क्लियर नहीं हो, और ये अच्छी बात नहीं है। और जो माइंड सेट आपने क्लियर कट किया है
उसके ऊपर आपकी सोच वाकई में प्रॉपरली आगे भी ऐसी ही रहेगी या बदल जाएगी। तो इसका फ़ायदा भी वो लेते हैं, क्योंकि आप अपने जो भी एक्शन ले रहे हो या एक्शन रख रहे हो उसमें आप पूरी तरीके से क्लियर कट हो भी या नहीं हो, इसके लिए आप ही प्रिपेयर नहीं हो, तो जाहिर सी बात है कि आपके विरोधी उसका बेनिफिट ज़रूर लेंगे, उसका फ़ायदा ज़रूर लेंगे। लेकिन यहाँ जो 10 of Swords की एनर्जी आई है वो ये दिखाती है कि ऐसे ही आप अपने तरीके से अपने ही आप को लेकर फोकस नहीं रहोगे तो हम बहुत कुछ सहन सकते हैं। ये आपके विरोधियों की सोच है, लेकिन यहाँ 10 of Swords की आपको लेकर एक पॉजिटिविटी दिखा रही है कि चाहे कुछ भी कोई कह रहा हो, चाहे आपके विरोधी कुछ भी सोच रहे हो, लेकिन आप अपने माइंड सेट से पूरी तरीके से क्लियर कट हो कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और आपको किस तरीके से अपने जीवन को बिताना है, इसके लिए भी आप स्वाभाविक हो, पूरी तरीके से क्लियर है आपके दिमाग में। तो इसके लिए आपको दूसरों से जानने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये आपकी सोच है। तो यस, यहाँ आपका माइंड सेट चाहे कितना भी क्लियर कट हो, आप इस एनर्जी में पॉजिटिविटी दिखा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके विरोधी कहीं हद तक जो सोच रहे हैं, इसके ऊपर भी आपकी सोच होनी चाहिए कि वो ऐसा क्यों मान रहे हैं। कहीं आपके आसपास के लोग उनको बता रहे हैं इस वजह से, या फूट चुके हैं वो, उनके साथ हो चुके हैं इस वजह से है, वो आपको भी सपोर्ट करते हैं, आपके विरोधियों को भी सपोर्ट कर रहे हैं इस वजह से है। तो ये सारी बात आपको ज़रूर जानने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ लास्ट कार्ड आया है डेविल, इसका मतलब ये होता है कि आपके विरोधी ये भी आपको लेकर सोच रहे हैं कि इसके जीवन में तो हम कुछ भी कभी भी ख़राब कर सकते हैं, कुछ भी कभी भी, मतलब कभी भी, मतलब आप समझ रहे हो, उनका मानना ये है कि हम आपकी लाइफ को कभी भी तहस नहस कर सकते हैं, और वो भी बहुत आसानी से। आसानी से इसकी लाइफ को ख़राब किया जा सकता है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। डेविल का मतलब ये भी होता है कि कहीं ना कहीं आप नेगेटिव एनर्जी को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो, पहचानते हो, और उसको किस तरीके से डील करनी है ये भी आपको पता है। तो आपके विरोधी चाहे कुछ भी यहाँ सोच रहे हो, लेकिन आप भी अपने आप में सक्षम पर्सन हो, वो भी यहाँ नज़र आता है। यहाँ आपके विरोधियों की सोच ये भी है कि ये इतना ज़्यादा शांत रहेगा, कुछ एक्शन नहीं लेगा, कुछ नहीं मोमेंट दिखाएगा, तो इसकी लाइफ में हम कभी भी कुछ भी कोई भी परिस्थितियों में इंटरफेरेंस कर सकते हैं, कुछ भी कैसे भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, ऐसा उनका मानना है। यहाँ पेज की एनर्जी भी आई है, तो वो ये भी मानते हैं कि इसको तो अपने खुद के ऊपर ही ध्यान नहीं है, ये अपने आप को लेकर ही कुछ भी कोई डिसीज़न या स्ट्रेटजी नहीं कर रहा है, कुछ प्लानिंग ही नहीं कर रहा है, तो इसके लाइफ में हम आसानी से आगे आ सकते हैं, उनकी जीवन में इंटरफेरेंस कर सकते हैं, टांग अड़ा सकते हैं, दाखिल हो सकते हैं, एंटर हो सकते हैं, और कहीं से भी किसी से भी अपनी एक चाला किया या बेनिफिट निकाल सकते हैं, वो भी सब कुछ आसान ही है। उनका मानना ये भी है कि आप अपने जीवन को लेकर क्लियर कट बिल्कुल भी नहीं हो, आपको सही और गलत क्या है वो बिल्कुल भी पता नहीं है, इस वजह से कोई भी कुछ भी आपके जीवन में दखलंदाजी कर सकता है, ऐसा भी वो मानते हैं। यहाँ लास्ट कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, इसका मतलब ये होता है कि आपके विरोधी आपके बारे में ये भी सोच रहे हैं कि आप ऐसे ही बने रहे तो फिर हमारे लिए तो बहुत आसान हो जाएगा आपकी लाइफ को ख़राब करना, आपकी लाइफ में ऐसे ही आसानी से टांग अड़ाना। लेकिन यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि चाहे आपके विरोधी आपको लेकर बहुत कुछ एक अपने ही भ्रम से, अपने ही तरीके से आपकी दुनिया को, आपके जीवन को वो देख रहे हैं,
लेकिन यहाँ मैं यहाँ आपको कहना चाहती हूँ कि आपके विरुद्ध की सोच यहाँ कहीं ना कहीं बहुत ही कमज़ोर है, क्योंकि वो अपने ही भ्रमित दिमाग से कुछ भी सोच रहे हैं, लेकिन आप यहाँ इतने ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहे हो कि वो आपको कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हैं। वो यहाँ है क्योंकि आपके कार्ड आप ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि हर एक कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से आगे बढ़ रहा है अपनी एक सिचुएशन से। तो यहाँ आपने ब्रोकन हार्ट चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि आपके विरोधी आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि हम तो आपको आसानी से तोड़ सकते हैं, आपके जीवन को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं, तहस नहस कर सकते हैं, हमारे लिए बहुत आसान है क्योंकि आप तो इमोशनली बेवकूफ़ हो, आपको तो कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है, कोई भी उल्लू बना सकता है, आपको तो कोई भी अपने बातों में बना सकता है, इतना आसान है, इस तरीके से आपके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आप इमोशनल वाइज बहुत स्ट्रांग हो, आपको कोई नहीं तोड़ सकता है, लेकिन वो अपने भ्रमित दिमाग से कुछ भी सोच रहे हैं कि आपको तो आसानी से तोड़ा जा सकता है, आसानी से आपके जीवन में सब कुछ किया जा सकता है। इस तरीके की उनकी सोच जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है वो उनके लिए ही बहुत हानिकारक है। यहाँ इस वजह से ही शायद ये कार्ड आया है फोर ऑफ सॉर्ड, कि आपके विरोधी कुछ भी अपने तरीके से सोच जरूर रहे हैं, लेकिन ऐसे आप बिल्कुल भी नहीं हो। ये है रीडिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, लव यू, बाय।